अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज हैंड वॉश बना रहे हैं इस स्टाइल से कि जो ये कोरोना वायरस का वबा फैली हुई है ना, तो अब ये कोरोना वायरस दूसरे वायरस उससे बचने के लिए भी हम शुरू किया है हैंड वॉश बनाने का नया तजर्बा। ये जनाब अली दिखा भी रहा हूँ, साल्ट जो है नमक है 50 ग्राम, SLES शैम्पू 400 ग्राम, डिटोल, ये डिटोल पीली मतलब मैं डाल रहा हूँ, आप दोस्त इसको चेक करें सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। डिटोल 20 ग्राम ताकि जरासीम मर जाएं, थिकनर 20 ग्राम, परफ्यूम है 15 ग्राम, कलर है थोड़ा टच में हम डालेंगे वो पानी है 2800 ग्राम, ग्लिसरीन 20 ग्राम। ठीक है जनाब अली, अब ये ग्लिसरीन ग्लिसरीन अभी देखो, ये पानी का हमने 2800 इसमें हम डाल रहे हैं कलर, कलर ना, हाँ कलर, ये जना हम कलर का ये टच डाल रहे हैं, देखें हम इसको मिला रहे हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें सिर्फ डिटोल ज़्यादा डाला है, ठीक है ना, ताकि जो ये अब सब सीख रहे हैं कि जनाब हाथ धोएं साबुन से शैम्पू से, तो इस सिलसिले में पुटो बोतल तक खड़िया जगह देखो कि भैया, ठीक है जनाब। अब ये काफ़ी कलर, हाँ बस काफ़ी कलर, ये कलर हमने डाल दिया, ठीक। अब ये पानी में हमने कलर डाल दिया, अब क्या डालोगे जनाब अली? अब ये जो है ना, ये आप देखो, ये मेरे पास भी पड़ा हुआ है, काफ़ी दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ है, हैंड सैनिटाइजर जो है ना, ये पुरानी बोतल है, तो वो इस्तेमाल करते हैं जो डॉक्टर हजरात पेशेंट को देखा बाहर निकले टच किया फिर उसको जनाब हाथ को लगाया, पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं है, ठीक है। ये तो हम पाकिस्तान में बैठे जाहिर है, हम हाथ धोएंगे तो पानी का तो इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हैंड वॉश में ये डिटोल का मैं लेके आया हूँ। ये जनाब डाल, अब क्या डाल रहे हो? सॉल्ट जनाब, अब नमक डाल रहे हैं इसमें 50 ग्राम, ठीक है 50 ग्राम नमक हम डाल रहे हैं, तकरीबन ये 4 किलो बन जाएगा हमारा हैंड वॉश। ये साल्ट इसको हम मिला रहे हैं, 2800 ग्राम अपना पानी था उसमें टच किया कलर, कलर में फिर अब डाला हमने साल्ट 50 ग्राम, ठीक है ना। अभी इस डालने के बाद डिटोल, अभी डिटोल डाल दो बूझी 15 ग्राम, हाँ विजय, ये जनाब 20 ग्राम हमने डिटोल डाला, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बस, ठीक है इसलिए दिखा रहा हूँ, हम गलत करें या सही करें दोस्त आजकल फारिग हो, माशाल्लाह फ्रूटफुल डिस्कस मैंने रात देखी आप दोस्तों की, पूरा दिन आप ठीक ठाक केमिकल पे ना और रिसर्च करते रहे वो भी मैं सुन रहा था, मगर आजकल गाँव में बैठा हूँ तो वो मज़ा नहीं है, अभी आया हूँ फैक्ट्री में, ठीक है जनाब। डिटोल डाला फिर हिलाया, अब क्या डालेंगे जरा? ग्लिसरीन, अब ये ग्लिसरीन है देखें, ये ग्लिसरीन सिर्फ 20 ग्राम है, ठीक है वो भी इसमें डाला ग्लिसरीन डाला, फिर हिलाएंगे इसको, ठीक है दिल से। अब देखो कैसा को गाढ़ा हुआ, देखो भाई ठीक है, ठीक है। अब थिकनर डालोगे? SLES डाले भाई, ये शेप हो जा रहा है, ठीक है SLES, ये शैम्पू 400 ग्राम है, थोड़ा थोड़ा करके हम डाल रहे हैं, हिलाते भी रहे, ये शैम्पू जनाब उसमें जा रहा है अंदर, थिकनर पहले डाल चुके हैं,
ठीक है जना। डिटॉल भी डाल चुके हैं, साल्ट डाल चुके हैं, कलर भी डाल चुके हैं, गिलसरे भी डाल चुके हैं। अब क्या रहता है? अब सिर्फ खुशबू रहती है, ठीक है जना। हैंड वॉश, हैंड वॉश हम तैयार कर रहे हैं, ये देखो है ना, ये हैंड वॉश। हे बस ये थोड़ी रोजी करे, हे थोड़ा मिनट लो, हे डम करने के लिए हलाना होता है, हलाने पर तो खुशबू पहुंच जाए। हाँ खुशबू बोले जो उसको फिर ना बोलो, ये तो ना, हाँ ये तो फिर मंडे में मिनट है जाने, खल दो तो नहीं होता। ये 10 मिनट जनाब इसको हम चलाएंगे, क्योंकि ये जो है ना आप देख रहे हैं, ये इसको गलाना पड़ेगा। ये है शैम्पू आस्ते आस्ते कम से कम 10 मिनट हम चलाएंगे तो एक चीज़ बनेगी, अभी थोड़ा गाढ़ा नहीं है, ठीक है जनाब। पहले ये बना रहे हैं ये बच्चे, तो इंशाल्लाह ये आधे घंटे में तैयार हो जाएगा, ठीक है जनाब। ये था मेरा रिज़ल्ट, बाकी सिर्फ इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आजकल जो मौसम चल रही है डिटॉल का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और पहले जो मैंने बनाया था वो भी आप दोस्तों को मैं दिखा रहा हूँ। ये था ये 5 रेसिपी, देखो ये 1 साल पहले बनाया था, ठीक है ना, ये 1 साल पहले बनाया था। तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें डिटॉल डालूँ, तो अभी आपके सामने ये मैंने तजर्बा किया। ये देखो ये, ठीक है जना, ये देखो ये है आपका असल ये हैंड वॉश, 1 साल पहले मैंने बनाया था, रख दिया था। ये देखो देखो ये है हैंड वॉश, अगले साल बनाया था, बिल्कुल नहीं बैठा है। देखो हम यूज़ भी कर रहे हैं, मैं घर में भी यूज़ कर रहा हूँ, यही कोई चीज़ मतलब नीचे नहीं बैठी है, साफ शिफाफ कलर में मेरे पास यही कलर अवेलेबल है, सिंध केमिकल सखर से लेके आता, कलर तो आप अपनी मर्जी का डालेंगे। ये अब इसमें डिटॉल का मैंने इजाफा किया है, आप दोस्त बताएं आया मैं सही किया है या गलत किया, आपकी बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज़।